नमस्कार दोस्तों, आप हमारा लग्नेश कुंडली का सम्राट पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देख रहे हैं और आपके सामने यहाँ पर एक कुंडली जो कि शो हो रही है बिल्कुल खाली है और इसमें कोई भी संख्या नहीं है। हालांकि इसमें जो भाव हैं वो बने हुए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बताते हैं लग्नेश, यानी हम बात कर रहे हैं लग्नेश की। तो लग्नेश नाम आते ही आपके दिमाग में ये जो फर्स्ट हाउस है जहाँ पे अभी कर्सर घूम रहा है, ये फर्स्ट हाउस है कुंडली का। और उसके बाद हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो फिर ये सेकंड हाउस आ जाता है, फिर ये थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवन्थ, एट्थ हाउस, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन और ट्वेल्थ हाउस, इस तरह से आते हैं। तो ये जो हाउस है फर्स्ट हाउस, ये हमारा लगन भाव है और इस भाव का जो भी स्वामी होगा, यानी यहाँ पर जो भी राशि होगी उस राशि का जो स्वामी होगा वो होगा आपका लग्नेश। अब लग्नेश आपका कोई भी हो सकता है, आपकी जो लगन कुंडली है उसको देखने से आपको पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सी राशि है और उस राशि का जो स्वामी है वही आपका लग्नेश होगा। अब लग्नेश की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहीं भी हो सकती है, लग्नेश आपके लगन में भी हो सकता है, सेकंड हाउस में, थर्ड में, फोर्थ में, यानी 12 भाव तक कहीं भी हो सकता है। साथ ही यह भी पॉसिबल है कि लग्नेश आपका किसी दूसरे ग्रह के साथ या दो और ग्रहों के साथ बैठा हो, तीन ग्रहों के साथ बैठा हो, ऐसा भी कुंडली में हो सकता है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि लग्नेश जो होता है कुंडली का एक रियल रूलर होता है, एक शासक होता है कुंडली का, एक हीरो होता है, एक सम्राट होता है और वो ही पूरी कुंडली को चलाता है। अब लग्नेश की जो पोजीशन है आपके लगन चार्ट में, उसके अनुसार आपकी जो लाइफ है वो भी उसी प्रकार से चलती है। मान लीजिए आपका लगन का जो लॉर्ड है वो कोई भी ग्रह है, वो जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित घटनाओं पर या उस भाव से संबंधित बातों पर आपका फोकस पूरी लाइफ में रहेगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट भाव आप देख रहे हैं ये प्रथम भाव है और हमने यहाँ पर राशियाँ नहीं लिखी हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपका लगन कोई भी हो, लगन हो सकता है, हर लगन के अलग अलग विशेषताएं हैं और हर लगन का जो लॉर्ड है वो भी अलग अलग है। तो देखिए आपका लगन क्या है, जब आपका जन्म हुआ था तो पश्चिम में जो राशि उदय थी वो आपका लगन है। लगन आपकी होरोस्कोप के फर्स्ट हाउस को दर्शाता है, यानी इस भाव को दर्शाता है। लग्नेश पूरी कुंडली का संचालक होता है। लग्नेश गोचर में जिस भाव से भी गोचर करेगा उस भाव से संबंधित घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटित होंगी और लग्नेश लगन में भी, जो ये कुंडली है उसमें भी जिस भाव में होगा उस भाव से रिलेटेड घटनाएं आपके जीवन में जरूर घटेंगी। इसके अलावा वो घटनाएं अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है आपके जो लग्नेश है उसकी पोजीशन किस प्रकार से है। लगन भाव आपकी शारीरिक संरचना को दर्शाता है, आपका कद कैसा होगा, आपकी सोच कैसी होगी, यानी ये सब उस ग्रह से प्रभावित जरूर होगा। इसके अलावा आपका मानसिक स्तर कैसा है, व्यक्तित्व कैसा है, व्यक्तित्व के गुण क्या क्या हैं। अब लगन पर जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, और लगन में कोई भी ग्रह हो सकता है, लगन के लॉर्ड के अलावा भी कोई भी ग्रह हो सकता है, तो उसके हिसाब से भी आपकी जो मानसिक सोच है, आपका जो एक तरह से हम कह सकते हैं पर्सनैलिटी है यानी व्यक्तित्व है, वो सब प्रभावित जरूर होगा। तो अगर क्रूर ग्रह यहाँ आ जाता है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी उसी प्रकार से बन जाती है। साथ ही जो लग्नेश है उसके गुण तो आपके आने ही आने हैं, क्योंकि वो राशि यहाँ आ जाएगी और उस राशि के गुण आप में जरूर आएंगे। लग्नेश जिस भाव में स्थित होगा उस भाव से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा फोकस भी अपनी लाइफ में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम बात लग्नेश की कर रहे हैं, अगर लग्नेश सात्विक ग्रह है और अच्छी प्लेसमेंट पर है तो हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में 40% जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर अपने आप हो जाती हैं, क्योंकि लग्नेश स्ट्रॉन्ग होने से हम उनको या तो प्रॉब्लम मानते ही नहीं हैं, या अगर मान भी लेते हैं तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से हम उनका सामना कर लेते हैं और उनको हम दूर भी कर लेते हैं।
अगर लग्न पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो और लग्नेश का संबंध अगर क्रूर ग्रहों से बन रहा हो तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स कई बार आती रहती हैं और वो हमें परेशान करती रहती हैं बीच बीच में। अगर मान लीजिए आपका लग्न भाव बहुत कमज़ोर है, यानी क्रूर ग्रह बैठे हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि है, या आपका जो लग्नेश है वो वीक है यानी कमज़ोर है, कहीं नीच का बैठा है, कहीं और ऐसे ग्रहों के साथ बैठा है जहाँ वो बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो आपका स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, दुर्घटना संबंधी इश्यू आ सकते हैं। अगर लग्नेश 6, 8, 12 में हो या क्रूर ग्रहों के साथ हो, नीच का नहीं होना चाहिए, तो अगर 6, 8, 12 में होगा तो कमज़ोर होगा, क्रूर ग्रहों के साथ होगा तो भी कमज़ोर होगा। इसके अलावा अगर 6, 8, 12 में नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रूर ग्रहों के साथ नहीं हो, नीच का नहीं हो तो कुंडली पावरफुल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लग्नेश आपके लग्न से किसी भी प्रकार से संबंध अगर बना ले और लग्न पर ना तो किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, ना ही लग्न में कोई क्रूर ग्रह हो जो नेगेटिविटी फैलाता हो, तो आपका जो लग्नेश है वो कहा जाएगा स्ट्रॉन्ग और कुंडली पावरफुल हो जाएगी। यदि लग्न में चंद्रमा और सूर्य की युति हो तो भी कुंडली बहुत ही पावरफुल कहलाएगी, और अगर लग्न जो लॉर्ड है लग्न का उसका संबंध भी वहाँ बन रहा हो लगन से यानी फर्स्ट हाउस से, तो और भी पावरफुल कुंडली कहलाएगी। क्योंकि उसके बाद क्या होगा, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली और लगन कुंडली तीनों एक ही हो जाएंगी, तो कुंडली का जो ओवरऑल जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जो लग्नेश है वो आपका किसी भी भाव में हो सकता है, तो उस भाव से संबंधित हम चर्चा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं फर्स्ट हाउस से ही। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे हम एक और वीडियो डालेंगे जिसमें ये जो कुंडली आपके सामने हम दिखा रहे हैं इसमें 1, 2, 3, 4 इस तरह से 12 नंबर तक लिखे हुए होंगे, और वो जो कुंडली होगी उसमें हम प्रत्येक राशि यानी प्रत्येक राशि को हम यहाँ रख के लगन के हिसाब से उसमें सभी 12 लगनों के लिए आपको जानकारी ज़रूर देंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, ये थोड़ा सा बेसिक वीडियो है। उसके बाद उस वीडियो में हर लगन के बारे में विस्तार से बताया जाएगा, और जो पोजीशन है जैसे मेष लगन में यहाँ पे जैसे मान लीजिए मंगल की जो प्लेसमेंट है उसके बारे में हम जानकारी देंगे, फिर वृषभ लगन में हम शुक्र के बारे में, तो इस तरह से, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। अब देखिए लग्नेश लग्न में ही हो तो जातक खुद पर फोकस करेगा यानी आत्म केंद्रित होगा, यानी इसी भाव में अगर लगन की लग्नेश की प्लेसमेंट है तो जो व्यक्ति है जो जातक है वो काफ़ी ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होगा, आत्म केंद्रित होगा, आत्मविश्वासी होगा, अच्छे स्वास्थ्य वाला होगा और उसका जो बॉडी है वो भी अच्छा होगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर मान लीजिए ये स्थिति तब भी बनेगी जब लगन पर लग्नेश की दृष्टि रहेगी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये प्लेसमेंट रहेगी। सेकंड अगर हम बात करें, मान लीजिए यहाँ पर का जो लगन का लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस में होने से एक तो ये बहुत बड़ा धन योग बनेगा और ये खुद के प्रयासों से धन का योग यहाँ पे बनेगा, साथ ही परिवार का अच्छा सुख ऐसे जातक को ज़रूर मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपका लग्नेश थर्ड हाउस में यहाँ पे है, तो थर्ड हाउस में होने से जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होगा, बहुत ज़्यादा बॉडी से पावरफुल भी होगा, और उसके जो छोटे भाई बहन हैं उनका सुख उसको बहुत अच्छा मिलेगा। अब मान लीजिए आपका लग्न का लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, फोर्थ हाउस में होने से आपको मकान वाहन का सुख, माता जी का सुख और घर में खुशियों का माहौल इस तरह से रहेगा। इसके बाद अगर हम देखें तो जब लग्नेश पंचम भाव में यानी इस भाव में होगा तो आपकी एजुकेशन पर आप फोकस करेंगे अपनी लाइफ में, इसके साथ ही आपका जो संतान पक्ष से लगाव है यानी आपकी संतान से जो लगाव है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, संतान सुख भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, प्रेम में सफलता। इसके अलावा आपका जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आप थोड़े से कलात्मक होंगे, आर्टिस्टिक नेचर वाले होंगे आप, और ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि भी रहेगी।
उसके बाद अगर मान लीजिए लग्नेश का संबंध अगर सिक्स से बनता है, यानी लग्नेश अगर सिक्स में ही हो, तो ऐसा जातक शत्रुओं पर विजय पा लेता है। यहाँ पर जो भी प्लेसमेंट हम आपको बता रहे हैं उसमें लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए, यानी नीच का नहीं होना चाहिए, किसी क्रूर ग्रह के साथ नहीं होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समभाव में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तभी आपको ये इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, वरना रिजल्ट थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लग्नेश का संबंध जब भी सिक्स बनता है, यानी सिक्स में जब भी लग्नेश होगा, तो ऐसा जातक केस मुकदमों में विजयी होगा, शत्रुओं पर विजय पालेगा, उसको हेल्थ की भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। अगर वो कर्ज ले भी लेगा अपनी लाइफ में तो वो वापस भी बहुत जल्दी ही उसको कर देगा। इसके बाद अगर मान लीजिए लग्नेश आपका सप्तम में है, सप्तम में होने से ऐसे जातक जो है उसका लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छा होगा, जातक का लाइफ पार्टनर उसकी पसंद का हो सकता है। इसके साथ ही जातक का जो लगाव है वो अपने लाइफ पार्टनर से काफ़ी अच्छा होगा, और जातक अपने लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित भी रहेगा, और जो लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर की ही जातक एक तरह से परछाया, यानी प्रतिछाया जो हम कह सकते हैं वो होगा, यानी जातक खुद अपने लाइफ पार्टनर की ही प्रतिछाया के रूप में होगा। इसके बाद हम बात करते हैं जब लग्नेश अगर एर्थ हाउस में हो, तो लग्नेश के एर्थ हाउस में होने पर जातक दीर्घायु हो सकता है, लंबी आयु वाला, उसको अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, और उसके जीवन में काफ़ी सारी जो घटनाएं हैं, जो मुख्य मुख्य घटनाएं हैं, विशेषकर बड़ी जो घटनाएं हैं वो बहुत अचानक होंगी, लाइफ में परिवर्तन बहुत ही अचानक होगा। इसके बाद बात करें अगर हम अगर लग्नेश नाइन्थ हाउस में हो तो क्या रहेगा। देखिए नाइन्थ हाउस में लग्नेश के रहने से एक तो ये धर्म भाव है, तो जातक को लंबी और धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, यात्रा लंबी यात्रा का भी भाव है, विदेशी व्यापार से ऐसे जातक को लाभ हो सकता है, ऐसे जातक की रुचि धार्मिक कार्यों में हो सकती है, ऐसे जातकों के पास अच्छी संपत्ति होगी, और जातक बहुत ही भाग्यशाली होगा, पिता के साथ उसका संबंध काफ़ी अच्छा रहेगा। अब वही बात है, यहाँ पर भी आपको देखना होगा कि लग्नेश यहाँ कमज़ोर तो नहीं है, या यहाँ क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, या फिर उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं क्रूर ग्रहों के साथ दृष्टि संबंध बन रहा है, तो थोड़े से रिजल्ट अलग हो सकता है। अब अगर हम बात करें लग्नेश जो कि अगर टेंथ हाउस में होगा, तो टेंथ हाउस में होने से ऐसा जातक बहुत ही फेमस होगा, व्यवसाय में अच्छी सफलता पालेगा, राजनीति का कारक ग्रह अगर वो है, या ऐसा जातक राजनीति में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा। अगर यहाँ जो ग्रह होगा लग्नेश, मान लीजिए उसका ऐसा ग्रह है सूर्य जैसा, और फिर और भी उसकी जो कंडीशन है वो बन रही है अच्छी, तो वो जातक पॉलिटिक्स में बहुत ही फेमस हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकता है बहुत अच्छा। इसके अलावा ऐसे जातक फेमस तो होगा ही होगा, कोई उच्च पद पर आसीन हो सकता है, सरकार के अधीन किसी बहुत बड़े पद पर वो हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें इलेवंथ हाउस यानी लाभ भाव की, तो अगर लग्नेश लाभ भाव में होगा तो जातक को धन का योग काफ़ी अच्छा बनेगा, ऐसे जातक के पास धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी, उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं उसके धन के द्वारा पूरी होंगी, जातक का अपने मित्रों से बहुत अच्छा लगाव रहेगा, इन जातकों के मित्र भी काफ़ी ज़्यादा होंगे और वो उसको सपोर्ट भी करेंगे, तो ऐसा होने पर भी जातक अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाता है और उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर जो लग्नेश है वो अगर बारहवें भाव में होगा इस भाव में, तो बारहवें भाव में संबंध बनाने से एक तो जातक को विदेशी भूमि से लाभ हो सकता है, जातक को व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, जातक विदेश जाने के बारे में बहुत बार सोचेगा, जातक विदेश जाएगा भी, और जातक बहुत जल्दी ही विदेश जा सकता है अपनी जो लाइफ यानी अपना जीवन स्टार्ट होने के बाद, छोटी आयु में ही वो विदेश जा सकता है, और विशेष रूप से वो अपने काम के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं वो जाएगा। और अगर यहाँ पर बारहवां भाव मजबूत है तो ऐसा जातक विदेश में बहुत लंबे समय तक रह सकता है, या स्थायी रूप से भी
रह सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, ये था पार्ट फर्स्ट लग्नेश कुंडली का सम्राट, और अगले वीडियो में आप जरूर देख लीजिए, उसमें हमने सभी जो लग्न हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि प्रत्येक लग्न के लिए जो लग्नेश की प्लेसमेंट है उसके हिसाब से क्या रिजल्ट रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए।